आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। अमेरिका दौरे के आखिरी दिन मंगलवार देर रात राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। रेबन हाउस में हुई इस मुलाकात में भारत विरोधी बयान देने वाली इल्हान उमर भी मौजूद थी। राहुल के इल्हान से मिलने पर देश में विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी के कई नेताओं ने राहुल के उनसे मिलने की आलोचना की है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। चाहे जम्मू कश्मीर में देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करनी हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है। बीजेपी प्रवक्ता संजू वर्मा ने कहा कि राहुल सत्ता में आने के लिए उतावले हैं, इस वजह से ही वे एक कट्टरपंथी नेता से मिल रहे हैं। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।